बात करते हैं बांदा में फैले रहस्यमय बुखार की। जी हाँ, इस बुखार की चपेट में अब तक आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं ये बुखार प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। बांदा के जमालपुर में अब तक 6 की मौत, सैकड़ों लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे असल लक्षण। डेंगू, वायरल बुखार या फिर है कुछ और। बांदा जिले के जमालपुर में रहस्यमय बीमारी ने लोगों को डरा कर रख दिया है। पिछले 15 दिनों में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। डॉक्टरों को अब तक सही सही पता नहीं लग पा रहा कि आखिर ये बीमारी है क्या। पीड़ितों को पहले बुखार, बदन दर्द और उल्टी होती है और फिर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी मौत हो जाती है। ये देहात कोतवाली जमालपुर, तो पूरा गांव हो गया एक प्रकार से, हर घर में दो चार मरीज हैं। किस तरह का बुखार है ये? डेंगू है, बुखार है, शरीर में दर्द है, सर दर्द है, बुखार है और किसी किसी को उल्टी भी होती है। डेंगू है, एक लड़की की मौत हो चुकी है और वो बिल्कुल मौत के घाट से वापस आया है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी इसके लक्षण को लेकर संदेह में है। उनका कहना है कि कई मरीज आए हैं जिनमें अजीब लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा कि ये मलेरिया है, डेंगू है या फिर वायरल फीवर। हमारे पास इस तरीके का, हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसका इलाज वगैरह का कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम उसका सिम्टोमेटिक एक वायरल फीवर मान लेते हैं, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर एक ऐसा वायरल फीवर है जिसमें प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिर रहा है, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मान लेते हैं, यानी प्लेटलेट का तेजी से गिरना और उसके साथ फ्रैक्चर के साथ फीवर आना, हम उसको ये मान करके उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं, करीब 25 से 30 पेशेंट हमें ठीक करके भेजे हुए, करीब 17 से 18 पेशेंट इस समय हमारे पास हैं। वही बांदा जिले के अस्पतालों में इसे निपटने की कोई तैयारी ही नहीं देखी जा रही। अस्पतालों में इस बीमारी के टेस्ट की किट तक नहीं है। जिले के सीएमओ को ये भी पता नहीं कि कितने मरीज बांदा और कानपुर में इलाज करा रहे हैं। अभी तक जो सूचना है, 5 लोगों की मृत्यु हुई है संभावित डेंगू से, लेकिन इनका डेंगू पॉजिटिव किसी के नहीं आया है। इसके अलावा एक बुजुर्ग थे राजकुमार जी, वो उनको ब्रोंकल अस्थमा था, टोटल 6 डेथ हुई जिसमें 5 संभावित डेंगू हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो अभी रिपोर्ट आई है, वो काम करते चूँकि इलाजा टेस्ट ही पॉजिटिव होकर हम लोग मानते हैं, तो उसमें डेंगू का कोई भी संभावित पॉजिटिव मरीज नहीं है। हालांकि जिले के डीएम पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हैं और इसे निपटने के लिए अलग से वार्ड बनाने के साथ साथ ब्लड बैंकों को निर्देश देने की बात भी कह रहे हैं, साथ ही मरीजों को मुफ्त जांच और इलाज की बात भी कह रहे हैं। परिस्थिति आ रही है जिसमें हमारे जनपद के मुख्यालय की जो टीम है वो कह रहे हैं कि वो वायरल फीवर है, परंतु कुछ प्लेटलेट्स डिक्लाइन काउंट का पता लग रहा है, तो जो चेकिंग की गई कि डेंगू की परिस्थिति बनती है प्लेटलेट्स डिक्लाइन में, कुछ मामले कानपुर रेफर किए गए उसमें मृत्यु के केस सामने आए हैं। हम लोग इस बारे में आश्वस्त हैं और वो भी हैं, सतर्क भी हैं कि किसी भी प्रकार की महामारी का रूप ना ले और वो वाली स्थिति नियंत्रण में भी है। यहाँ पर अलग से एक डेंगू वार्ड जिला मुख्यालय पे जिला चिकित्सालय में क्रिएट कर दिया गया, उसमें 25 बेड लगे हुए हैं। हमारे यहाँ SRL लैब जो कि मंडल मुख्यालय में बनती है, उस लेबोरेटरी में जितने भी पैथोलॉजिकल सुविधाएं हैं वो सारी मुफ्त मुहैया है, 24 घंटे उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। डीएम भले ही तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस विचित्र बुखार की चपेट में आने से मौत हो रही है, उससे प्रशासन भी सख्ते में है। स्थिति साफ न होते देख प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। अतुल मिश्रा, नेशनल वॉयस, बांदा।